कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए 23 मार्च को देश भर में लॉकडाउन लागू हो गया था। लॉकडाउन लागू होने के बाद रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार के लोगों का पेट भरने वाले लोगों के सामने खाने की समस्या खड़ी हो गई थी। ऐसे लोगों के कठिन समय में मसीहा बनकर सामने आई चिड़ावा की श्री विवेकानंद मित्र परिषद। लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों की पीड़ा को समझते हुए उनके लिए सुबह शाम रोजाना खाने की व्यवस्था करने के लिए जनता रसोई शुरू की गई। चिड़ावा में श्री विवेकानंद मित्र परिषद की ओर से चल रही ये जनता रसोई अपने आप में अनोखी रसोई है, जहाँ कोई रसोई में मुख्य संचालक नहीं है। जनता रसोई में सब कार्यकर्ता हैं और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। ये जनता रसोई इसलिए खास है कि यहाँ बनने वाले भोजन का स्वाद सबसे पहले भगवान चखते हैं, उसके बाद दूसरे लोगों को प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया जाता है। जनता रसोई में भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर आरती की जाती है, उसके बाद जरूरतमंद लोगों में भोजन वितरित किया जाता है। श्री विवेकानंद मित्र परिषद की ओर से चल रही ये जनता रसोई प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन करवा रही है, जिसमें स्थानीय जरूरतमंद लोगों के अलावा दूसरे राज्यों से यहाँ आकर मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को भी भोजन वितरण किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाली चिड़ावा के गांधी चौक के पास पंसारिया की हवेली में चल रही इस नेकी की जनता रसोई में साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शुद्ध भोजन तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन में डॉक्टर शंभू पवार, मनोज मान, रोहितास महला, महेश धन्ना, जयराम स्वामी, कमलकांत पुजारी, बैजनाथ मोदी, संजय दाधीच, रमेश कोतवाल, ताराचंद शर्मा, अशोक सेवक, चंद्रमौली पचरंगिया, उमाकांत डालमिया, महेश महमिया, विकास शर्मा, आशीष शर्मा, मोंटी निर्मल, प्रकाश निर्मल, संजय स्वामी, सिकंदर, विशाल हर्षवाल, अरुण भीमराज का, पवन टेलर, सुभाष खंडेलिया सहित अन्य कार्यकर्ता तन मन धन से जनता रसोई में जुटे हुए हैं। 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के हमारे भाई साहब इतने बुजुर्ग हैं, फिर भी वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सुबह शाम हम पैकेट बना बना के पूरी व्यवस्था से डोर टू डोर पहुँचा रहे हैं और लोग सहयोग भी कर रहे हैं और सभी लोग सहयोग करके माध्यम से हम जन सहयोग से कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन ने, जिला कलेक्टर साहब ने खुद ने अवलोकन किया है, बरसात बारिश के अंदर आए बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने कहा आप इसको आगे चलाइए कैसे भी और इस कार्यक्रम को चलने दीजिए। आपका कार्यक्रम और आपकी रसोई मुझे बहुत अच्छी लगी, जिले में मैंने सुना था परंतु आज आपको देखा है कि हमारे केंद्र भी इतने कार्यकर्ता मन से और लगे हुए हैं और स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। मास्क हम सभी कार्यकर्ता मास्क लगाए रखेंगे, कोई राजनीति नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, सब एक नर सेवा नारायण सेवा ही मकसद है इनका कि हर जरूरतमंद लोग कोई भूखा न सोए और उसको भोजन मिले। और पहली बार हमें सेवा का मौका मिला है तो सभी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूरा सेवा करते हैं। सुबह 6 बजे ही कार्यकर्ता आने शुरू करते हैं और अपना अपना काम बिना कहे, एक नहीं आया तो वो दूसरा काम वो करने लग जाएगा आज क्या, और रात को 9-10 बजे तक कार्यकर्ता है लगते हैं और सब सप्लाई हो जाता है, फिर सफाई करके बागत है पूरे सब वो साफ करके फिर घर जाते हैं। ये दिनचर्या है उनकी पूरी। और कुछ हमारे युवा जैसे हैं संदीप जी हैं और मधेपुरिया राजेश डालमिया हैं, इन्होंने भी हमें प्रोत्साहित किया कि हम आपके साथ हैं, जो होगा सहयोग करेंगे। और भी बहुत लोग आ रहे हैं जो सहयोग करने की प्रेरणा से हमारे कार्य को देख के आ रहे हैं। यहाँ न तो राजनीति होती है और न हम राजनीति भेदभाव रखते हैं, हम तो एक ही मकसद है नर सेवा नारायण सेवा, कोई भूखा न सोए हमारा प्रयास ही रहता है। हमने केवल एक सामाजिक कार्य धर्मार्थ सेवार्थ के लिए बनाई थी, इसमें सब सदस्य हैं, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, जैसे अपन बोल सकते हैं एक मित्र समूह है। केवल हमारे कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं इसमें जो हमको गाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो भी वो बोलते हैं हम उनसे मार्गदर्शन।